देखो मैनू लगता है कि साढ़े मुख्यमंत्री साहब न जिस तरीके तैयार हो के अज मीटिंग से जाना चाहिए सी उन्हां दी तैयारी जिहड़ी है मुकम्मल नहीं पहले तो सारिया पार्टियां नाल सलाह मशवरा करके फैसला करना चाहिए सी कि सानू मीटिंग च जाण च लाभ है कि नुकसान है क्योंकि हरियाणे ने एक ट्रैप जिहड़ा उह ले कीता और मैनू लगता है कि भगवंत मान जी हरियाणे के उस ट्रैप के फसते जा रहे साडा जिहड़ा स्टैंड है पंजाब का वो बड़ा सिद्धांतिक स्टैंड है कि रिपेरियन सिद्धांत के मुताबिक किसी भी गैर रिपेरियन राज नूं पाणियां देण दा साडा कोई हक नहीं बनता इस करके साडा सारा केस जिहड़ा वो रिपेरियन प्रिंसीपल के उत्ते जिहड़ा आधारित है पर मुख्यमंत्री साहब अपने वल्लों जिस तरीके केस पेशकारी करके आए हैं कि पाणी दी घट है इस करके समझौते की लोड़ है पहला पानी की मिनती कर लिए कितने कितने असी समझौते वाले पासे फसते जा रहे इस करके हरियाणे का तो अज इन्ना ही काम से कि वह हाजिर लाना चाहता सी कि तुसी मीटिंग आए फैसला नहीं होया वो तो हुण सुप्रीम कोर्ट च जाके तो अगली कार्रवाई वास्ते काढ़े अगे तुसी अज दी मीटिंग दे चुक्की खट्टिया दूजा अज उत्थे जाके तो अज जिहड़ा साडा एक्ट पास किया जमीन वापस करन दा वो ही तुहानू कोर्ट करना पिया जिन्हों तुसी बाहर नहीं मानते कि असी ठीक किया जदों असी झगड़ा नबेड के गए हैं विधानसभा दे विच कानून पास करके जमीना वापस करके जिन्हों अज तुसी कोर्ट किया तो फिर पानी की मिनतियां का हुण इशू कित्थे रह गया हुण पानियां की मिनती का इशू नहीं नहर की जिहड़ी हैगी आ हक नहीं बनता हरियाणे नूं रिपेरियन सिद्धांत के मुताबिक इस करके साडा केस उत्थे ज़्यादा खड़ा पर अज मैनूं लगता कि हौली हौली समझौते वाले पासे जिहड़ा मुख्यमंत्री है वो फसना शुरू हो गए हुण दिल्ली जाके धिरां वजणगियां उत्थे केजरीवाल साहब भी दिल्ली वास्ते पानी चाहिए उत्थे हरियाणे वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे तो मैनूं लगता कि पंजाब कितने कितने जिहड़ा वो घाटे वाले पासे जा रहा है।